तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस और बीजेपी को तगड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन के रिश्तेदार समेत 4 आरोपियों को दी आज जमानत, कहा इन्हें है सिर्फ मुस्लिम होने के नाते फंसाया। जा दोस्तों तगड़ा झटका लगाया दिल्ली हिंसा को लेकर। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि टीआरपी घोटाले में अर्णब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को लगाई फटकार, कहा मुंबई पुलिस और मुंबई हाईकोर्ट पर नहीं है अर्णब को भरोसा, पहले जाए मुंबई हाईकोर्ट तभी बाद में करेंगे हम सुनवाई। जा दोस्तों फटकार लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर गवर्नर और सीएम की जंग में कूदे असुद्दीन ओवैसी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं खोले जा सकते कोरोना में महाराष्ट्र में मंदिर। वहीं आपको बता दें गवर्नर पर बोल दिया है जो है असुद्दीन ओवैसी ने हमला। इसी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने किया खुलासा, कहा सीबीआई की टीम में एक भी नहीं है एसटी और मुस्लिम अफसर, योगी ने षड्यंत्र के तहत सीबीआई की टीम में सभी ठाकुरों को बैठाया है। जय दोस्तों बड़ा खुलासा भीम आर्मी प्रमुख ने किया है और पीएम मोदी से अपील की है कि एक मुस्लिम और एक ऐसी अफसर सीबीआई की टीम में बैठाया जाए। जय दोस्तों बड़ा खुलासा कर दिया है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच हुई पूरी, नहीं मिले साजिश के सबूत, गोदी मीडिया और बीजेपी की पूरे देश में थू। जय दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर गोदी मीडिया और बीजेपी का भंडाफोड़ हो गया है और साजिश के सबूत नहीं मिले हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ही आत्महत्या की थी। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश से बीजेपी को तगड़ा झटका, बीजेपी के बल्लाराम विधायक आकाश विजयवर्गीय पर एफआईआर दर्ज, बांट रहे थे खुलेआम जनता को पैसा। इसी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन में प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया पीएम केयर फंड में करोड़ों का घोटाला, पीएम मोदी की संपत्ति में 26% का हुआ है इजाफा, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के नेटवर्थ में आई है गिरावट। जो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन में ही कर दिया लंबा घोटाला, संपत्ति 26% बढ़ गई है प्रधानमंत्री मोदी की। तो सभी खबरों को दोस्तों विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी को तगड़ा झटका। दिल्ली हिंसा में ताहिर हुसैन के रिश्तेदार समेत 4 आरोपियों को आज कोर्ट ने दी जमानत। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के मुख्य आरोप में आरोपित निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के रिश्तेदार राशिद सैफी मोहम्मद सादाब समेत 4 आरोपियों को दिल्ली अदालत ने आज जमानत दे दी है। प्रत्येक को 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। राशिद सैफी और मोहम्मद सादाब दंगे के दौरान चांदबाग इलाके में फर्नीचर की दुकान में लूटपाट करने व आग लगाने के एक मामले में आरोपित थे। मोहम्मद गुलफाम भजनपुरा इलाके में दुकान और वाहनों में आग लगाने के 2 मामलों में आरोपित थे, तो वहीं मुंगा नगर में धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के मामले में गुलफाम आरोपित था, लेकिन कड़कड़टूमा कोर्ट ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें जमानत दे दी और कहा कि ऐसे कोई भी फोटोज और कोई भी दस्तावेज दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ साबित नहीं कर पाई है कोर्ट में, जिससे कि इन्हें जमानत से रोका जा सके, और जो पुलिस ने इन पर आरोप लगाए हैं वो अभी तक आरोप पुलिस साबित नहीं कर पाई है, इसलिए इन्हें जमानत दी जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि किस तरह से जो है दिल्ली हिंसा में लोगों को दिल्ली पुलिस ने मुसलमान होने के नाते फंसाया था। तो ये बड़ी अपडेट है कि ताहिर हुसैन के 4 रिश्तेदारों को आज दिल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के गवर्नर और सीएम की जंग में कूदे ओवैसी, कहा मत भूलिए दोनों ने ही ली है संविधान की शपथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच हिंदुत्व के युद्ध छिड़े हुए हैं। इसी को लेकर असुद्दीन ओवैसी की भी इसमें एंट्री हो गई है और ओवैसी ने राज्यपाल की मंदिर खोलने की मांग की आलोचना की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि
जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के उच्च पदों पर बैठे लोग सोचते हैं कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन हमारे देश के एक राज्य के ऐसे राज्यपाल हैं जो चाहते हैं कि प्रदेश की जनता कोरोना महामारी में मरे और कोरोना महामारी उनके प्रदेश में तेजी से फैले। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने राज्यपाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्यपाल ने जो मांग की है मंदिर खोलने की, वो बिल्कुल गलत है और इस गंभीर स्थिति में कोरोना की उन्हें इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की मांग नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है उद्धव ठाकरे का समर्थन किया है। तो ये बड़ी अपडेट है कि असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के गवर्नर पर जमकर जोरदार हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से कर दिया इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि टीआरपी घोटाले में अब अर्नब गोस्वामी सहित रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की टीआरपी घोटाले वाली याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले टीआरपी घोटाले का मामला मुंबई हाई कोर्ट में चलना चाहिए, अगर मुंबई हाई कोर्ट से यह मामला नहीं निपटता है तब ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, अन्यथा इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी और अर्नब गोस्वामी तुरंत मुंबई हाई कोर्ट जाए। जी दोस्तों, ये तगड़ी फटकार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी ने याचिका डाली थी कि टीआरपी घोटाले मामले की जांच सीबीआई करे और इसी के आरोप में आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हर मामले की जांच अगर सीबीआई से कराई जाएगी तो मुंबई पुलिस क्या झक मारने के लिए बैठी है, तो मुंबई पुलिस को इस्तीफा दे दें क्या। तो ये बड़ी फटकार जो है लगाई है और मुंबई पुलिस ने कहा है कि अगर सारे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी तो क्या मुंबई पुलिस है या नहीं, या फिर मुंबई पुलिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब अर्नब गोस्वामी को राहत नहीं मिली है और अर्नब गोस्वामी को लंबी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई हाई कोर्ट जाए अर्नब पहले, उसके बाद ही हम सुनवाई करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर योगी की फिर बनी मुश्किलें। सीबीआई टीम में एक भी एससी एसटी और मुस्लिम नहीं अफसर, तो भीम आर्मी प्रमुख बोले योगी ने सब ठाकुरों अफिसरों को कर दिया है सीबीआई में भर्ती। पीएम मोदी से भीम आर्मी प्रमुख ने कर दी अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के मौत के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और इसी जांच पर अब भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सीबीआई की टीम जो इस मामले की जांच कर रही है उस सीबीआई टीम में एक भी दलित और मुस्लिम अधिकारी नहीं है और इसलिए इसकी जांच निष्पक्ष नहीं होगी। वहीं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा है कि योगी सरकार ने सीबीआई की टीम में सभी ठाकुरों को बैठा दिया है और इसमें एक भी एसटी एक भी एससी और मुस्लिम अधिकारी नहीं है, जिससे ये जाँच अच्छे से नहीं होगी और ये जाँच निष्पक्ष नहीं होगी क्योंकि सब ठाकुरों को सीबीआई की टीम में योगी ने बैठा दिया है और इसीलिए हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि ये बड़ा खुलासा चंद्रशेखर ने कहा है और प्रधानमंत्री मोदी से अब चंद्रशेखर ने मांग की है कि सीबीआई टीम में एक एससी और एसटी और एक मुस्लिम अफसर को डाला जाए और तभी सीबीआई टीम हाथरस मामले की जांच करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ठाकुर को लेकर योगी सरकार किस तरह से चिंतित है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में बीजेपी सरकार द्वारा सरकारी मदरसों को बंद करने की घोषणा से भड़की विपक्षी पार्टियां। कहा बीजेपी की है मानसिकता, पूरे देश से खत्म किया जाए मुसलमानों का नाम। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों ही असम की बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी कि सरकारी पैसे पर कुरान की पढ़ाई वह नहीं कराएगी और इसके साथ ही असम की बीजेपी सरकार ने ऐलान किया था कि असम में जितने भी सरकारी मदरसे हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। अब इन्हीं फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असम की सीपीएम पार्टी के नेता हनन मुल्ला ने कहा है कि बीजेपी की मानसिकता देश से मुसलमानों का नामो निशान मिटा देने की है, असम सरकार की यही कार्रवाई दिखा रही है, वही हम इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने भी इस कार्रवाई पर काफ़ी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार मुसलमानों के खिलाफ कदम उठा रही है उससे साफ दिखता है कि भारत अब सेकुलर नहीं रहा, ये एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है।
वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को काम ही करना है तो हिंदू कॉलेजों को भी असम में बंद करे। आखिरकार सिर्फ मुस्लिम मदरसों को ही क्यों बीजेपी बंद करना चाहती है? तो वहीं मदरसा स्टूडेंट यूनियन ने भी बीजेपी को चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर सरकारी मदरसों को बंद किया गया तो वह शांतिपूर्ण तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब असम में सरकारी मुस्लिम मदरसों को बीजेपी बिल्कुल बंद करने जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी को तगड़ा झटका, सीबीआई की जांच हुई पूरी, नहीं मिले साजिश के सबूत, मुंह के बल गिरी बीजेपी। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से देश की गोदी मीडिया और बीजेपी के नेताओं ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को पूरे देश में उठाया और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, लेकिन आज जो खबर सामने निकल कर आ रही है उससे गोदी मीडिया, दलाल मीडिया और बीजेपी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच आज पूरी हो गई है और सीबीआई की जांच में अभी तक सुशांत की मौत में किसी तरह की साजिश या फाउंस ब्लेड नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच अब पूरी हो चुकी है और वह अपनी रिपोर्ट जल्द ही पटना की सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी और सीबीआई जांच में किसी तरह के सुशांत सिंह राजपूत की मौत में साजिश के सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद बीजेपी सहित गोदी मीडिया की पूरे देश में बेइज्जती हो रही है, क्योंकि गोदी मीडिया कह रही थी कि सुशांत राजपूत ने यह किया था, रिया चक्रवर्ती ने उसे फांसी दी थी और सलमान खान ने दबाव बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी मामला नहीं निकला। ये बड़ी अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश से बीजेपी को तगड़ा झटका, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश विजयवर्गीय पर एफआईआर दर्ज, खुलेआम बांट रहे थे जनता को पैसा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले ही बीजेपी की मुश्किलें मध्य प्रदेश में बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को पैसे बांटने के आरोप में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। कांग्रेस द्वारा विरोध और मीडिया में मामले को दिखाए जाने के बाद अब विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ धारा 188 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि इनका नामांकन भी रद्द किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक ट्वीट कर बीजेपी की हलचल बढ़ा दी और कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, तो अब बीजेपी को फिर से तगड़ा झटका लग गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के घोटालों की खुल सकती है पोल, प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति में लॉकडाउन में हो गई है 26% का इजाफा। जय दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी में पूरे देश के उद्योगपति सहित देश की आम जनता की संपत्ति कम हुई। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के चलते प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति में 26% की बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर अब देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और कहा कि पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े घोटाले कर लिए हैं, बड़े घोटाले कर लिए हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति में 26% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पूरी देश की जनता और पूरे देश के उद्योगपतियों की संपत्ति कम हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ी है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि कई घोटाले के खुलासे हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू एमएलए के बिगड़े बोल, कन्हैया कुमार को बताया बंदर। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इस दौरान नेता एक दूसरे और उनकी पार्टी पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस दौरान मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जय दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान फिर से एक बार विवादित बयान दिया है। जेडीयू प्रत्याशी ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वाम दल के नेता कन्हैया कुमार को बंदर बताया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि नामांकन करने पहुंचे बेगूसराय उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया को बयान में कहा कि कन्हैया कुमार बंदर है और वह देशद्रोही है और उसे तो किसी कीमत पर देश की और प्रदेश की जनता भरोसा नहीं करेगी क्योंकि वह बंदर है। तो ये बड़ा हमला बोला है कन्हैया कुमार पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में कांग्रेस ने खेला ब्रह्मांड कार्ड, दूसरे चरण की 24 सीटों पर 12 स्वर्णों को कांग्रेस ने दिया टिकट। जय दोस्तों
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि दूसरे चरण की प्रत्याशियों की कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने 24 सीटों में से 12 पर स्वर्णो को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी की छवि को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य जातियों को भी शामिल किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 12 सीटों पर राजपूत सहित ब्राह्मण और अन्य उच्च जाति के लोगों को कांग्रेस ने बिहार में टिकट दिया है।